हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बटर से घी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे ना, तो आप बाहर का घी लाना बंद कर देंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि क्यों ना हम घर पे खुद ही बना करके इसे रेडी करें, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमने किस चीज का यूज किया है और ये कितना फ्रेश है और कितना हेल्दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर घी बनाने के लिए हमें जो बटर लेना है वो अनसॉल्टेड होना चाहिए। सॉल्टेड बटर का यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है हमें। तो मैं यहाँ पे 4 पैक ले रही हूँ। तो 4 पैक में ये देखिए अंदर इस तरीके से स्टिक होती है। एक पैकेट में 4 स्टिक होती है, तो सारी स्टिक को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अब इस तरीके से इसका जो वैक्स पेपर है हम निकाल लेंगे और निकाल करके इसे हम पैन में डाल देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक पैकेट लिया है वो 453 ग्राम के करीब है, यानी कि ये लगभग 500 ग्राम के करीब है। तो यहाँ पे मैंने लिए है 4 बॉक्स, तो वो लगभग 2 किलो के आसपास बटर है। तो उसी के आसपास हमारा घी भी बनकर रेडी होगा। तो जितना भी आपको अमाउंट बनाना हो आप उस हिसाब से बटर ले लीजिए। तो फटाफट से सारी स्टिक को हम डाल देंगे पैन में। गैस को अभी मैंने यहाँ पे हाई कर दिया है। अब इस तरीके से इसे चलाते हुए हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फ्रिज से निकाल करके डाला है पैन में, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेल्ट होने, लेकिन अगर आप फ्रिज से पहले ही निकाल के रख दे 1-2 घंटे के लिए और तब आप इससे बनाए, तो वो क्या होगा ना कि बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो ज्यादा गैस भी नहीं यूज होगा और टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे जिससे कि नीचे से जले नहीं। तो देखिए काफी हद तक बटर यहाँ पे अपना मेल्ट हो चुका है। कुछ कुछ टुकड़े अभी रह गए हैं बटर के, तो ये देखिए ये अच्छे से सारे टुकड़े मेल्ट हो गए हैं और ऊपर एकदम इस तरीके से झाग आ गया है। तो अब हमें बटर को तब तक उबालना है जब तक ये झाग अलग नहीं होने लगता है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हल्के हल्के बबल आने शुरू हैं, यानी कि अभी ये बॉयल नहीं हो रहा है। जब ये बॉयल होने लगेगा, देखिए अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम करके हम इसे चलाते रहेंगे, तो हम बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, नहीं तो घी आपका ऊपर आके गिर सकता है और नीचे जल भी सकता है। तो इस वजह से अब इस तरीके से हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे कि 4-5 मिनट मैंने इसे उबाला और ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से हम 10 मिनट और उबालेंगे। 10 मिनट जैसे होगा आप देखोगे कि अभी ये जो झाग दिख रहा है वो एकदम व्हाइट दिख रहा है। तो जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए काफी हद तक ये बॉयल हो गया है। अब आप इसके ऊपर जो झाग थी उसका कलर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो यहाँ पर अभी चलाना बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम। अब अभी आप घी का टेक्सचर देखिए, हल्का सा ये अभी लिक्विडी है, यानी कि थोड़ा सा पानी जैसा दिख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा और ठीक होगा। तो 3-4 मिनट और इसे हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है हमें। तो यहाँ पर आप देखिए जो घी है वो ऊपर आ गया है और जो मिल्क का सॉलिड वाला पोर्शन है वो नीचे बैठ गया है। तो इस तरीके से चला देंगे हम एक बार और इसे। अब आप घी का टेक्सचर और कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है। और आप झाग देखिए, फिर से झाग एकदम अच्छे से बन के आ गया है ऊपर। लेकिन अब आप झाग का कलर देखिए, हल्का सा रेडिश हो गया, यानी कि हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया, ब्राउन जैसा हो गया है। घी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको लाइट कलर का पसंद है तो आप थोड़ी देर पहले ही गैस को बंद कर दीजिए, तो आपका लाइट कलर का रेडी होगा। मैं थोड़ा यहाँ पे इसे येलो इस कलर में बना रही हूँ, यानी थोड़ा डार्क बना रही हूँ। तो मैंने अब यहाँ पर गैस को कर दिया है बंद। अब मैं थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर देने के लिए इसमें पानी के थोड़े से छींटे दे रही हूँ। अगर आपको ग्रेनी टेक्सचर नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गैस को कर दिया है बंद, पानी के छींटे मार दिए हमने। अब आप देखिए आप जो झाग ऊपर आई है उसका कलर आप देखिए हल्का हल्का चेंज दिख रहा होगा आपको। तो अब मैं यहाँ पर बटर का फ्लेवर थोड़ा कम करने के लिए थोड़े से करी पत्ते डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह बटर की स्मेल नहीं पसंद है, यानी कि बटर की खुशबू नहीं पसंद है, तो आप यहाँ पे करी पत्ता या करी पत्ता की जगह पे आप पालक भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपके घी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और ये देखिए ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है और जो झाग था वो एकदम से गायब हो गया है और जो मिल्क का सॉलिड वाला पोर्शन था वो नीचे बैठ गया है। तो घी अब अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर हम इसे एक ग्लास के जार में निकाल लेंगे। तो पहले एक स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से घी को छान लेंगे जिससे कि जो मिल्क का सॉलिड वाला पोर्शन है वो घी के अंदर ना जाए। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया घी बन करके रेडी हुआ है। केवल 10-15 मिनट में बनकर रेडी हो गया है ना, बहुत ही आसान।
तो अब आप भी इस तरीके से घर पर बना करके ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो अगर ये घी बनाने का तरीका आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो लास्ट का पोर्शन है उसे इस तरीके से रख देंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो अच्छे से ड्रॉप ड्रॉप करके जार में निकल जाए। तो घी बन करके रेडी है। अब आप इसे एयरटाइट बॉक्स में रख करके 1 से 2 महीने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप बाहर रख दीजिए, और अगर आप इसे लंबा यूज करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख करके भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।